हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरन चाउस किचन। अगर आप मेरी वीडियो में न्यू हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से फ़िश फ्राई की रेसिपी। तो आप लोग वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहना, और वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। तो फटाफट से बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो ये मैंने ले ली सबसे पहले कुछ मसाले। ये है टिक्का मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा कांदा मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ी सी मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ली हूँ मैंने। और इसमें ऐड करूँगी मैं आधा नींबू का रस। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है फिश का, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। अब मैं इसको सारा निचोड़ लूँगी इसमें सारा रस। और ये गलती से मेरे से गिर गया था इसका बीज, आप लोग पहले बीज निकाल लेना फिर डाल देना इसमें रस। वो गलती से मैंने ऐसे ही निचोड़ लिया था तो फिर मैंने निकाल दी बाद में। और अब मैं चम्मच की हेल्प से ये मसाले सारे इसमें मिक्स कर लूँगी। अगर आप लोगों को चम्मच से नहीं जमता होगा तो आप लोग हाथों की हेल्प से भी मिक्स कर लेना मसालों को। मेरे हाथों में कट लगा हुआ है इसलिए मैंने चम्मच से सारा मसाले को मिक्स कर ली हूँ, वरना मैं हाथों से ही करती हूँ। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा मसाला लेकर डिप करूँगी फिश के टुकड़ों में सारे, और अच्छे से नीचे ऊपर अलट पलट करके सारे फिश के टुकड़ों में मैं मसाला लगा लूँगी। और मैंने चार ही फिश के टुकड़े ली हूँ, इतने मेरे लिए इनफ है। अगर आप लोग ज़्यादा फिश लेंगे तो आप लोग मसाला ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं सारे फिश के टुकड़ों को इसी तरीके से डिप करते हुए मसाला लगा लूँगी, और इसे अच्छा मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी आधा या एक घंटे के लिए। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप लोग रख लेना, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है फिश में। अब मैं एक पैन में ऑयल डालूँगी, ऑयल को अच्छे से गर्म कर लूँगी। जब ऑयल अच्छा गर्म हो जाएगा तब उसमें एक लड़ी कड़ी पत्ते की डालूँगी। आप लोग कड़ी पत्ते के पत्ते निकाल कर भी डाल सकते या फिर लड़ी भी डाल सकते। अब मैं फ्लेम को लो कर लूँगी और सारे फिश के टुकड़े इसमें ऐड कर लूँगी ऑयल में। और फेस को ध्यान रखे, दूर रख कर आप लोग फ्राई करना फिश को, इसका तेल फेस पर उड़ता है कड़ी पत्ता डालते वक्त भी। तो ये देखिए, सारे फिश के टुकड़े मैं इसमें ऐड कर लूँगी, चार फिश के टुकड़े ही है, ज़्यादा नहीं है। तो ये देखिए, नीचे से गोल्डन फ्राई कर लूँगी और अच्छे से क्रिस्पी कर लूँगी। अगर आप लोगों को क्रिस्पी नहीं करना है तो आप लोग जल्दी पलट सकते हैं, और अगर क्रिस्पी फिश अच्छी लगती है तो फ्लेम को थोड़ा हाई कर कर भी आप लोग इसे क्रिस्पी कर सकते हैं। मुझे तो क्रिस्पी फिश बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं हमेशा क्रिस्पी ही करती हूँ और मैं डीप फ्राई नहीं करती हूँ फिश को। और बहुत ही सिंपल और आसानी से बन जाती है ये फ़िश, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए, रेडी हो चुकी है मेरी सिंपल सी फ़िश फ्राई की रेसिपी, और आप लोग भी बनाओ, खाओ, मज़े करो। तो अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो अब मैं मिलूँगी आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।